आज इस 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में आकर तथा तो कला और संस्कृति के इस राष्ट्रीय उत्सव का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे बताया गया है कि ये उत्सव देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित किया जा चुका है और पहली बार इसका आयोजन राजस्थान में हो रहा है। हम में से बहुत लोग बीकानेर को बीकानेरी खाद्य पदार्थों के कारण जानते होंगे, लेकिन इतिहास में बीकानेर के महल और किले महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसके अलावा बीकानेर कैमल से जुड़ी नृत्यों और त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। देवियों और स्वजनों, ये बहुत वर्षों की बात है कि ये हर्ष की विषय भी है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव देश के अलग अलग राज्य से आए कलाकारों को अपनी प्रतिभाएं सबके सामने प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 1000 से अधिक कलाकार और कारीगर इन 9 दिनों में अपनी अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। अभी पहले ये पिछले सप्ताह ही मुझे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से देश को वरिष्ठ कलाकारों और कलाविदों से मिलने का अवसर मिला। कला क्षेत्र में प्रतिभावान और महान विभूतियों को देखकर मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश की कला और संस्कृति को तो बढ़ावा देते ही है, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता की भावना को भी और मजबूत बनाते हैं। इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों से हमारा देशवासियों को हमारी संपन्न तथा समृद्ध संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं को जानने और समझने का अवसर भी मिलता है। मैं संस्कृति मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री और मंत्रालय की पूरी टीम को इस महोत्सव के लिए और इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, प्राचीन काल से ही हमारी कला शैली उच्च स्तर की रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही नृत्य, संगीत, चित्रकारी, वास्तुकला जैसे अनेक कलाएं भारत में विकसित थी। भारतीय संस्कृति में आध्यात्म को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सृष्टि की प्रत्येक रचना कला का अद्भुत उदाहरण है। नदी की लहर का मधुर संगीत हो या मयूर का मनमोहक नृत्य, कोयल का गीत हो, माँ की लरी या नन्हे से बच्चों की बाल लीला हो, हमारे चारों ओर कला की सुगंध फैली हुई है। देवी और स्वजनों, प्रौद्योगिकी का परंपराओं से और विज्ञान का कला से मेल होना जरूरी है। आज का युग प्रौद्योगिकी का युग है। हर क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से नई नई प्रयोगों किए जा रहे हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का अपनाया जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से नई और युवा कलाकार की प्रतिभा भी देश के कोने कोने तक फैल रहे हैं। हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके देश की कला, परंपराओं और संस्कृति का प्रसार, प्रचार और व्यापक रूप से करें और इसको कर भी सकते हैं। हम सबको भारत की संपन्न और समृद्ध संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, साथ ही हमें अपनी परंपराओं में नई विचारों और नई सोच को स्थान देना चाहिए, जिससे हम अपने युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को भी इन परंपराओं से जोड़ सकते हैं। हमारे युवा और बच्चे देश की अनमोल विरासत के महत्व को समझे, ये बहुत आवश्यक है। सच्चे कलाकारों को जीवन तपस्या का उदाहरण होना चाहिए।
सच्चे कलाकार का जीवन तपस्या का उदाहरण होना चाहिए। किसी भी काम को कंसंट्रेशन और डिवोशन के साथ कैसे किया जाता है, ये सीख हम कलाकारों से ले सकते हैं। खासतौर पर हमारी युवा पीढ़ी को हमारी कलाकारों से बहुत कुछ सीखने को है। मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे अधिक से अधिक कार्यक्रम और कार्य शैली आयोजित किया जाए, जिसके माध्यम से युवाओं और अनुभवी कलाकारों के बीच विचारों और प्रतिभाओं का आदान प्रदान हो सके। आज के डिजिटल युग में हमें ये भी देखना होगा कि कैसे हम नई पीढ़ी के निरंतर अभ्यास और मेहनत करने की प्रेरणा दे सके। अभी हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में ऐसे संगठित कलाकार नहीं है, लेकिन कला भर भर कर गांव में रहते हैं। उसी कलाकारों को भी हम लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उनमें जो महक है, जो सुगंध है, जो ऊर्जा है, ये लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, आज हम जो 21वीं सदी में जी रहे हैं, गांव का महक, गांव का सुगंध हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं। वहाँ जो कला निहित है, उस कला को भी सामने लाना चाहिए। ये शायद इसका एक ही उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है, जो कला संस्कृति विभाग सामने हम लोगों के सामने ला रहे हैं। आज के लोगों का जीवन और समय बहुत तेजी से भाग रहा है, इसलिए अपनी कला और संस्कृति के धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना आसान नहीं है। यहाँ उपस्थित महान विभूतियाँ, विद्वानों, कला प्रतिभाएं, कलाकारों को मैं ये काम सौंपना चाहती हूँ। ये गांव-गांव में जो कला प्रतिभा है, जाकर ढूंढे, देखे, संजोए और लोगों के सामने लाए। जो नया युवा पीढ़ी है, मुझे लगता है उनको अच्छा लगेगा। आजकल हम पश्चिमी दिशा में ज़्यादा नज़र डालते हैं, लेकिन खुद के अंदर कला खुटखट भरी है, उसको भी देखना चाहिए। आप सबको मिलकर ऐसे उपाय और तकनीकी निकालनी होगी, जिससे आज के लोग, खासकर युवा और बच्चे, अपने समय का सदुपयोग करें और कला संस्कृति को समझने में और सीखने के लिए प्रयास करें तथा निपुणता के लिए अभ्यास भी करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर इस और ध्यान देंगे और राष्ट्र की संपन्नता और समृद्धि को और बढ़ाएंगे। देवियों और स्वजनों, हम जानते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन होना जरूरी है। कलाओं, परंपराओं को और समृद्धि में भी, संस्कृति में भी समय के साथ परिवर्तन आता ही है। कला शैली, रहन सहन का ढंग, वेशभूषा, खान पान सब में समय के साथ बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ बुनियादी मूल्यों और सिद्धांतों पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहना चाहिए, तभी भारतीयता को हम जीवित रख सकते हैं। भारत जो विशेष गुण है, भारतीयता को संजो के रखने के लिए इसी तरह हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, शांति और अहिंसा, प्रकृति से प्रेम, सब जीवों के लिए दया, दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ना, ऐसे अनेक मूल्यों हैं जो हम सब देशवासियों को एक सूत्र में बांधते हैं। आज भारत विश्वभर में अपनी नई पहचान बना चुका है, जिसमें आधुनिक सोच को अपनाने के साथ साथ परंपराओं और संस्कृति को सहजने की क्षमता है। मैं एक बार फिर आज आपको राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और इसकी सफलता की कामना करती हूँ। आप सबका जीवन उद्देश्य पूर्ण हो,
और भविष्य मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कला और संस्कृति।